देव्यः धर्म स्नेही राष्ट्रभक्त देश की सेवा सुरक्षा संवर्धन में समर्पित भारतवर्षीय सभी नागरिक भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भारत देश में जिस किसी मानव ने जन्म लिया है उसका ये प्रथम कर्तव्य होता है अपने देश की सुरक्षा संवर्धन और अपनी मर्यादा का पालन करते हुए संस्कृति का विकास करना। प्राणीवाद का जीवन सुखी बने, सब शांति को प्राप्त कर सकें ऐसी भावना भाना। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त ये भारत के लिए गौरव का दिन है। जिस दिन भारत देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, 15 अगस्त 1947 में राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 से भारत का नया संविधान लागू हुआ, इसलिए वह गणतंत्र दिवस और ये 15 अगस्त का दिन स्वतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र धर्म ही एक धर्म है। प्रत्येक मानव का एक आत्म धर्म होता है, प्रत्येक मानव का एक सामाजिक धर्म होता है, प्रत्येक मानव का एक पारिवारिक धर्म होता है, प्रत्येक मानव का जहाँ पर वह रहता है, ऑफिस में रहता है, दुकान पर रहता है, या खेत में काम करता है, या फैक्ट्री चलाता है, उसका वहाँ के लिए भी एक धर्म होता है, कर्तव्य होते हैं। किंतु इन सभी कर्तव्यों के साथ साथ अपने देश की आन बान शान की रक्षा करना भी परम कर्तव्य है। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई ऐसे ही नहीं हुई। उस स्वतंत्रता के संग्राम में हजारों जैन शावकों ने अपनी आहुति दी, हजारों सिख भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने अपनी आहुतियां दी। यह स्वतंत्रता का भवन ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया, इसके लिए देश के उदार मना देशभक्त अनेक लोग शहीद हुए, अनेक कन्याएं महिलाएं वीरांगना बनकर के देश की सेवा में समर्पित हुई। महानुभाव, उन शहीदों की कुर्बानी को भुलाना नहीं है, देश की गरिमा को कम नहीं करना है। भारत आत्मनिर्भर कैसे बने इस संबंध में सभी को मिलजुल करके काम करना है। पराधीन जीवन निस्संदेह दुखद जीवन होता है। यदि हम आज भी अन्य देशों के अधीन रहेंगे तो पुनः हमारा देश गुलाम हो सकता है। जो देश जितना स्वाधीन होता है, आत्मनिर्भर होता है, वह देश उतनी उन्नति करता है, विकास करता है, और वह देश निस्संदेह विश्व का गुरु होने की पात्रता रखता है। भारत का ये गौरव है, प्रारंभ से सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, प्रारंभ से ही आध्यात्म गुरु कहा जाने वाला देश, प्रारंभ से ही सबके साथ उदारता का भाव दिखाने वाला ये देश, प्रारंभ से ही जीत करके भी वापस करने वाला ये देश निस्संदेह पूरे विश्व में एक अपनी अमिट छाप बनाए हुए हैं। भारत देश जयवंत हो। जिस भारत की भूमि पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जिस भारत की भूमि पर भगवंतों ने जन्म लिया, संतों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया, नारायण जैसे पुण्य पुरुषों ने जन्म लिया, प्रत्यनारायण जैसे पुरुषों ने जन्म लिया, बलभद्र जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, कामदेव जैसे पुरुषों ने जन्म लिया, आध्यात्म विद्या का सूत्रपात किया, विश्व के लिए शांति का संदेश दिया, ऐसा यह भारत देश निस्संदेह विश्व के सभी देशों की दृष्टि में आज भी सम्माननीय है, आदरणीय है, प्रशंसनीय है, पूजनीय और वंदनीय है। दिगंबर जैनाचार्य दर्शन स्वामी ने भारत देश की, ऐसे भारत देश की जहाँ पर आध्यात्मिक खेती होती है, ऐसी भारत भूमि की वंदना की है। हम सब भी उस भारत भूमि के प्रति सम्मान गौरव का भाव रखते हैं, जिस भारत देश में आज भी ऋषि और मुनियों की परंपरा जीवंत है, जिस भारत देश में आज भी श्रावक श्रावक अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं, जिस भारत देश में आज भी गृहस्थ सदाचार का पालन करते हुए आत्म कल्याण में संलग्न है। हम उन सब महानुभावों के प्रति
भावना भाती उन सबका मंगल हो, वे सब सुख और शांति को प्राप्त करें, लोक कल्याण हो, विश्व में शांति हो। कोरोना जैसी महामारी आज जोर पकड़ रही है, हम और आप सब मिलकर के आत्म शांति विश्व शांति के लिए इस प्रकार की भावना भाएं कि यह महामारी ये विश्व हमारी शीघ्र दूर हो, सब सुख और शांति का आरोग्य लाभ प्राप्त करें, ऐसी आप और हम भावना भाती हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम अनुरोध केवल श्री जम्बू स्वामी भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जीवन महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमद जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।